इतना परेशान हो गई थी। तो इंसान पहने क्या, बारिश नहीं पड़ रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 4:30 और मैं रेडी होकर बैठी हूँ कि तो मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील पोस्ट किया अभी अभी, यानी कि शूट किया, अभी पोस्ट करना बाकी है, वो पोस्ट करना है। तो खाना वगैरह खा के, टैबलेट लेके, फिर मैंने फ्रूट वगैरह भी खा लिया, लेके आए हैं बनाना चिकू, तो बनाना तो मेरा फेवरेट है, तो मैं तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, लेके आते हैं तो खाती हूँ। एक्चुअली मैंने ये इवनिंग के लिए लेके आए थे नाश्ते के लिए, तो मैंने खाना खाया, फिर मुझे लगा मैं खा लेती हूँ, फिर मैंने एक बनाना खा लिया, बाकी बोला इनको आप आओ इवनिंग में तो साथ में मिलके खाते हैं। तो अभी तो 4:30 बजे हैं, मैंने टैबलेट भी ले ली है, बस अभी चेंज करके थोड़ा नाइट सूट पहन के बैठती हूँ घर में, कि तो गर्मी यहाँ पे इतनी है, बहुत है गर्मी, और कल से तूफान लग रहा है, तूफान लगने के बाद भी बारिश नहीं पड़ रही है, बहुत सारी हवा लग रही है, उसके बाद फिर मट्टी भी आ रही है, फिर बाद में वो बंद भी हो रहा है तूफान, यानी कि बारिश नहीं पड़ रही है, तो उसकी वजह से इतनी गर्मी हो चुकी है, बहुत गर्मी हो चुकी है। तो अभी मैं जल्दी से चेंज करके थोड़ा सो जाती हूँ, बिल्कुल लाइट नाइट सूट पहन लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ, थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ आपको सीधा शाम को चाय पे। तो अभी इवनिंग के 6:30 हो चुके हैं, तो 5 मिनट ही खाली में सोई और थोड़ा सा नींद आई, फिर उठ के बैठ भी गई और मेकअप वगैरह मैंने उतारा, कैसे बाल भी हो गए, मैं ऐसे ही सो गई हूँ, एक्सटेंशन उतार के मेकअप उतार के सो गई। मेकअप ना ज़्यादा देर रखूँगी ना तो फेस की स्किन ख़राब हो जाएगी, तो अभी मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, क्यों तो मैं थोड़ा देर रख के फ्री हो जाऊँ ना तो मैं स्किन केयर रूटीन करूँगी, क्यों तो मेकअप किया है वो तो डेली मैं करती रहती हूँ, तो थोड़ा क्रीम वगैरह लगा के अपना लिपस्टिक बाद में लगाऊंगी, वो मेरी फेवरेट बेलोरा की लिपस्टिक, वो लगा लूंगी। तो अभी बाल भी नहीं बनाया है, नींद में से उठी हूँ, चाय वगैरह पी, आंटी तो पहले जाग रही थी तभी काम करके गए थे, उसके बाद अभी गए, उसके बाद मैं सोई हूँ, बात वगैरह करके 5 बज गए मुझे सोने में, 5:30 ऐसे हो गया टाइम, फिर 10-15 मिनट सोई, उसके बाद उठी भी हूँ, मोबाइल चला, आखिर फिर मैं उठ के आई रूम में, चलो नींद नहीं आ रही है, काजल को बोला, काजल मैं तो जा रही हूँ, एसी चालू करके दोनों सोए, काजल बोले तीनों मम्मी सो ना, मम्मी नींद ही नहीं आ रही है मुझे, 5 मिनट ऐसे झपकी ली मैंने, फिर उसके बाद उठ के बैठ गई, मैंने बोला जाने दे अभी नींद नहीं आ रही है, मैं जाके चाय वगैरह पी रही हूँ थोड़ा, तो अपने काम पे लगूँ। ये भी जैसे बोल रही थी मैं इनके लिए थर्मास निकाला था, तो ये ख़राब हो गया है, ये वाला, तो ये मेरा मैंने यूज़ ही नहीं किया है, कितने सालों से मेरे पास पड़ा है, बहुत साल हो गए, तो इनको ये गिफ्ट मिली थी, तो गिफ्ट में मैंने ये संभाल के रखा था, शॉप पे गिफ्ट मिली थी इनको, तो ये थर्मास मैंने रख दिया था, कभी काम आ जाता है करके, तो इतने सालों से पड़ा है, मुझे लग रहा है 20 साल हो गए होंगे आराम से, 20 ईयर्स। फिर अभी इसके जैसा ही सेम ये दूसरा लेके आए हैं, सेम ही है, स्टील का ही लेके आए, एक मिल्टन का आ रहा था, बोल रहे थे 200-250 का है, ये स्टील का 400 का है, 400-450 ऐसे कुछ बोले, मैंने बोला लेके आओ स्टील का ही लेके आओ, कभी भी आपको काम पड़ेगा, घर में चाय बना के दूँ फिर कभी तो चाय वगैरह पियो, तो मैंने बोला नहीं आप यही लेके आओ स्टील का, फिर भी काम आएगा आगे चल के चाय वगैरह के लिए, कि तो इनको चाय की बहुत हैबिट है, मैंने बोला घर में जैसे बनाती हूँ मैं नाश्ते के बाद मैं भी पीती हूँ, थोड़ा सा बना लूँगी आपके लिए भी और अपने लिए भी, फिर आप लेके जाना, इसमें बहुत अच्छे से पड़ी रहती है बहुत देर गर्म चाय, तो चाय वगैरह यहाँ से ही लेके जाएंगे, कभी ठंडियों में गर्म पानी भी पीते हैं, तो वो सब मैंने बोला काम आएगा आपको, आप ले लो, तो इन्होंने स्टील का ही लिया, पहले बोल रहे थे कि क्या करूँ अभी टूट गया तो ये दूसरा लेना ही पड़ेगा, मुझे चाहिए, तो मैंने बोला लेके आओ दूसरा, ये टूट गया था पूरा पानी बह गया था, वो रख रख के ऐसा टूट गया लेकिन यूज़ नहीं किया मैंने, पूरा इतने बरस से बंद पड़ा है, साफ़ किया तो अच्छे से मस्त हो गया था, फिर वो अभी टूट गया, ढक्कन उसका टूट गया तो लेना ही पड़ा। तो अभी 9:45 हैं और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है आज, ना मैंने स्किन रूटीन किया, ना लिपस्टिक लगाई है, कुछ भी नहीं, इतनी गर्मी है, जस्ट अभी मैंने थोड़ा फ़ैन कम कर दिया, ब्लॉग में बात करनी है तो पूरा फ़ैन का आवाज़ आ रहा है बहुत, तो इतनी गर्मी है, लिपस्टिक भी नहीं लगाई मैंने, कुछ लगाना ही नहीं पसंद आ रहा था, ड्रेस भी जो ऐसे पहनी थी काजल की मिट्टी पहनी थी, और लो मिट्टी पहनी तो थी मैं, पूरी गीली हो गई थी मिट्टी में, इतना परेशान हो गई थी कब मेरा वीडियो पूरा हो और मैं कब चेंज कर दूँ, काजल को बोली थी जल्दी से पटाके फटाफट से वीडियो मेरा शूट कर मैं उतार दूँ ये मिट्टी, इतनी गर्मी हो रही, एक तो फुल स्लीव्स थी, ऊपर से उसका फैब्रिक है ना ऐसा सिल्क के जैसा है, उसमें क्या ज़्यादा गर्मी होती है, तो इतनी गर्मी हो रही थी बहुत, पूरी गीली हो गई थी, फिर जल्दी से जैसे वीडियो पूरा हुआ मैंने बोला जल्दी मैं चेंज कर देती हूँ, काजल को बोला मुझे फटाफट से नाइट सूट दे, मैं जल्दी वो पहन के बैठती हूँ, और नाइट सूट भी मैंने बोला ऐसा वाला दे जिसमें गर्मी ना हो, तो ये पहना है नाइट सूट, तो इसमें भी
गर्मी हो रही है, इसमें भी बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रहे हैं। आफ्टरनून में जैसे मैं गई थोड़ी देर तो एसी में जाके बैठी तो थोड़ा ठीक लग रहा था एसी में, मुझे लिपस्टिक नहीं लगाया आज, मुझे तैयार नहीं होना है, मैं इतनी तंग हो गई हूँ, बार बार जाके मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ। तो बस खाना बनाना है और अभी भी निकल गए हैं, बस रोटी बना लूंगी फटाफट से, और कुछ काम नहीं है, खाना भी रेडी है, आज तो सब्जी पड़ी है। वैसे भी किचन में खड़े रहने को तो बहुत हो ही नहीं रहा, आफ्टरनून में भी मैं आज बहुत परेशान हुई हूँ। दो दिन से ऐसा हो रहा है, अगर मैक्सी पहनूँ ना उसमें भी गर्मी हो रही है, नाइट सूट पहनूँ उसमें भी गर्मी हो रही है, ड्रेस पहनूँ उसमें भी गर्मी हो रही है, मिडी पहनूँ और उसमें भी गर्मी हो रही है, तो इंसान पहने क्या। रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं बैठ के टीवी देख रही हूँ, इन्होंने मूवी चलाई थी अर्जुन पंडित, तो वो देख रही थी बैठ के, तो मैं पहले सोच रही थी इतनी ओल्ड पिक्चर है क्या अच्छी लगी, ऐसा कर करके जूही चावला और सनी देओल था, तो वो मैंने पूरी पिक्चर एंड तक देख ली। और दो दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पहले तो मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग निकालने के लिए, टाइम नहीं हो पा रहा था, बहुत बिजी थी, वो भी हुआ, फिर उसके बाद हेल्थ का इशू हुआ, फिर से बिज़ी हुई, हेल्थ ठीक हुई तो फिर से बिज़ी हुई, फिर बिज़ी होने के बाद अभी दो दिन मैं खुद ही जो भी ब्लॉग मैं दो दिन से शूट कर रही हूँ उसमें जो मैं वेलकम कर रही हूँ, जैसे स्टार्टिंग में बोलती हूँ हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल, तो वो दो दिन से मैं खुद ही डिलीट कर रही हूँ कैमरा से, मेरे से डिलीट हो जा रहे हैं पता नहीं कैसे, कल का भी वीडियो ऐसे विदाउट इसके हुआ वेलकम के, और आज का भी जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है वो भी विदाउट वेलकम के, जो आज का वीडियो मैंने अभी शूट किया है मे भी मैं इसको संभाल के रखूं, कल नहीं तो फिर इसमें वेलकम गुम हो जाएगी या तो बाय बाय गुम हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है SD कार्ड भी फुल हो गया है, मैं डिलीट कर रही हूँ ना उसमें SD कार्ड फुल हो गया, डिलीट करने से जो काम के वीडियोज़ है वो भी डिलीट हो जा रहे हैं मेरे से, तो आज का थोड़ा मैं ध्यान दूंगी जैसे ना डिलीट हो कोई भी वीडियो, तो दो तीन दिन से मेरे से वीडियो डिलीट ही डिलीट हो रहे हैं, आधा ब्लॉग निकल रहा है आधा मिरर स्टार्टिंग डिलीट हो रहा है या एंड डिलीट हो रहा है या तो उस दिन तो पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया, तो ये मिस्टेक्स मेरे से हो रही है एक दो दिन से ऐसा हो रहा है, अभी आज का ध्यान दूंगी मैं, तो अभी बस टैबलेट लेना है, मिल्क पीना है और उसके बाद मैं सो जाऊंगी, अभी थोड़ी देर टीवी देखूंगी फिर टैबलेट लेके मिल्क भी पीऊंगी और सो जाऊंगी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, मैं मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड गुड नाइट। और हाँ, कभी भी मैं विदाउट वेलकम के खड़ी रहूँ तो समझ लेना आज भी वीडियो मैंने डिलीट कर दी।